मैं आपको चिकन काली मिर्च बनाना बताऊंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ के जी चिकन ले लिया है। पहले हम इसका मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे खट्टी दही ले ली है, यहाँ पे एक कप फ्रेश दही डाल दिया है। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। काली मिर्च को हम ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, इसमें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का टेस्ट और अच्छा आएगा। इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल दूँगी, एक चम्मच अदरक लहसुन का कुटा हुआ पेस्ट डाल देंगे। सभी सामग्रियों को हाथों की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रेस्ट पर रख देंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें तड़का लगाने के लिए सबसे पहले 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालूंगी, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4-5 लौंग डाल देंगे, 3 पत्ता डाल दूंगी, कितना प्याज। मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक चॉप किया था और 3 से 4 हरी मिर्च। अब इन सबको हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, हम हल्का हल्का चलाएंगे। 15 से 20 मैंने यहाँ पे काजू ले लिए हैं, मैंने जो काजू को भिगो के रखा था अब उसको हम डाल देंगे प्याज के अंदर। अब इसे हल्का सा चलाते हुए हम थोड़ी देर प्याज को और पकने देंगे। मेरा प्याज भी सभी सामग्रियाँ पक चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने पर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सामग्रियों को पीसकर इस तरह से पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी, उसमें 3 चम्मच तेल डाल दिया था। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं अपना पेस्ट डाल दूंगी तेल के अंदर। हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे तेल के साथ। अब हम इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। मैंने मिक्सी जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, अब इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे, चलाएंगे। हम इसे पकने देंगे थोड़ी देर, इसे लीड से कवर कर ढक के पकने देंगे। ये ढकाकर इसे चला लेते हैं, क्योंकि काजू तले में लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारे पेस्ट ने अच्छे तरीके से तेल छोड़ दिया है। अब इसे हम थोड़ा देर और चला लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा पेस्ट पक चुका है। अपना मैरिनेटेड चिकन हम डाल देते हैं इसके अंदर। मैरिनेटेड चिकन में हमने दही डाला था, दही फट सकती है इसलिए हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हम इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे। हमने इसे लीड से कवर कर देंगे और ढककर पकने देंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। हमारी काली मिर्च चिकन का आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी काली मिर्च चिकन का कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसे चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। हम फिर से लीड से कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच और कुटी हुई काली मिर्च डाल दूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। सामग्रियों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। मैं इसे ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ,
अब मैं इसमें एक कप गरम गुनगुना पानी डाल देती हूँ। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। लीड हटा के चेक कर लेंगे। एक काली मिर्च चिकन बन के तैयार हो गया, अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। मेरा काली मिर्च चिकन बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टेस्ट ऑफ टारगेट को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको काली मिर्च चिकन की रेसिपी कैसी लगी है।